हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में सुपर ट्रेडर लक्ष्य में। और ये जो वीडियो है, इसमें मैं दिखाऊंगा एग्जैक्टली कि मैंने 60,000 से 14 लाख कैसे बनाए। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, दैट्स द पर्पस। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली 25-30 मिनट्स, सो ईच एंड एवरी मिनट, ईच एंड एवरी मोमेंट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू नॉट मिस एनी पार्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने कैसे किया, क्या किया, ये सब समझने की कोशिश करी और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं। आई एम स्टार्टिंग द स्टेप बाय स्टेप जर्नी टू 14 लाख प्रॉफिट एंड आई विल टेक यू थ्रू the slides of different expiries and different weeks and how those weeks have gone through. तो इस वीडियो में बताऊंगा एग्जैक्टली कि 14 लाख पहुंचने की जर्नी कैसी थी और एग्जैक्टली स्लाइड बाई स्लाइड, मतलब वीक बाई वीक, जो एक्सपायरी बाई एक्सपायरी आपको ट्रेड्स दिखाऊंगा, उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली वहाँ पे चैलेंजेस क्या थे और क्या प्रॉब्लम्स थी और कैसे मैंने उसको फेस किया। बिकॉज द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि सभी लोग पैसे इनिशियली बनाते हैं, एक हफ्ते बनाते हैं, अगले हफ्ते उससे ज़्यादा गवा देते हैं। तो उसको बचाना कैसे है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, पोजिशन साइजिंग कैसे करना है, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। सो इन दिस वीडियो आई टॉक अबाउट पोजिशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट, सो दैट यू डोंट लूज वॉट यू मेड एंड यू कंटिन्यू एडिंग दोज प्रॉफिट्स टू योर नेट वेल्थ। And that's what it is important in trading. Okay, so let's go to this first slide. So first slide, we'll be talking about the July first week. Okay, so when I started July first week, it was quite shaky. Okay, it was not what I thought about कि ऐसा होना है, वैसा होना है, कैसा होगा। मुझे नहीं पता था कि मार्केट कैसा है। मुझे ये था मार्केट गिरना चाहिए बजट के आसपास, लेकिन मैं थोड़ी पहले ही स्टार्ट कर दिया था तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि यार क्या होगा। नेट नेट आई डिडंट मेक एनी मनी। आप देखेंगे यहाँ पे कि 22,000 का एक बड़ा प्रॉफिट हुआ, एक यहाँ 32,000 का लॉस हो गया। तो नेट नेट मैंने कुछ बनाया नहीं फर्स्ट वीक में, कुछ नहीं किया, क्योंकि आपको चार्ट में दिखाया था मैंने कि फर्स्ट वीक में मार्केट नेट नेट थोड़ा सा ऊपर गया था। ठीक है, बजट के दिन गिरा 5 जुलाई को। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा मेरे को कन्विक्शन आया कि जो मैं सोच रहा था वही हो रहा है। सो वंस आई गॉट कॉन्फिडेंस, आई जस्ट केप्ट ऑन डूइंग व्हाट आई प्लान टू डू बिफोर दिस फॉल इवन स्टार्टेड। तो मेरा प्लान ऑलरेडी था कि फॉल तो आना है, लेकिन वो कब स्टार्ट होगा ये आप जज नहीं कर सकते। एंड इन ऑप्शन ट्रेडिंग द प्रॉब्लम इज टाइम डिके। सो इफ यू टेक ए पोजीशन एंड यू वेट फॉर 3-4 डेज, इट विल बी जीरो बाय दैट टाइम इफ मूव डजंट हैपन। तो यहाँ पे ये बड़ा चैलेंज था कि यार टाइम डिके से भी बचना है। तो मैंने समहाउ मैनेज किया कि प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन लॉस भी ज़्यादा नहीं होने दिया। और यहाँ पे आप देखेंगे कैपिटल विच आई यूज्ड, आई मीन दिस लाइन इफ यू सी द सेकंड लास्ट लाइन 63,000। सो अप्रॉक्सीमेटली मेरा कैपिटल जो था इतना ही था, 60,000 to 70,000 रुपीज़। सो दैट्स हाउ आई वाज स्ट्रगलिंग इन द फर्स्ट वीक। एंड द प्लान वाज यस 60,000 से 6 लाख बनाना था। द प्लान वॉज टू मेक यू नो 6 लाख आउट ऑफ 60K, दैट इज 10x प्रॉफिट। बट यू नो नेवर थॉट दैट हाउ मच इट कैन गो, बट द प्लान वॉज वेरी क्लियर, कि गोल वॉज वेरी क्लियर कि फिर से ट्राई करना है। आई हैव बीन ट्राइंग दिस थिंग एटलीस्ट फॉर द 20th or 30th टाइम। आई हैव सक्सेसफुली डन इट ऑलमोस्ट 10 times प्लस, मीन्स 5 to 8x returns। ठीक है, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन मैंने हर बार जब आप करोगे तो एक चैलेंज आएगा, क्योंकि मार्केट इतना आसान नहीं है। ठीक है, बट स्टिल, सो दिस वॉज द फर्स्ट वीक विच वेंट थ्रू। और अगर आप इसको देखोगे, थोड़ा आगे जाओगे, तो आप जुलाई फर्स्ट वीक के बाद जब सेकेंड वीक आया, तो दिस वॉज क्वाइट वेल, क्योंकि वो जो फॉल आने वाला था, एक्सपेक्टेड था, वो बजट वाले दिन आया। द फॉल विच आई एक्सपेक्टेड केम ऑन द बजट डे एंड आई वॉज प्रिपेयर फॉर इट। सो आई जस्ट बैंक इट लाइक एनीथिंग एंड आई मेड ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज इन दिस वीक। एंड यू कैन सी इन द प्रॉफिट हियर। एंड दिस वॉज रियली अ गेम चेंजिंग वीक, बिकॉज फ्रॉम 60K टू when कैपिटल इज स्मॉल, पीपल डू नॉट हैव दैट मच ऑफ होप। दे थिंक कि यार कैसे हो पाएगा, हाउ विल इट हैपन, इट्स सो टफ, नो दिस इज ऑल ड्रीम, यू कॉन्ट डू इट, यू नो दिस काइंड ऑफ डिसबिलीफ विल हैपन इन साइड यू। बट अगर थोड़ा सा भी एक अंदर बिलीफ है ना कि भाई करते रहते हैं, लेट्स कीप ऑन डूइंग इट, जो होना होगा हो जाएगा, ठीक है, देन डेफिनेटली इट्स पॉसिबल। सी इन अवर कंट्रोल ओनली देयर इज ओनली वन थिंग, दैट इज एक्शन एंड द प्लान। सो वी कैन मेक ए प्लान, वी कैन कीप ऑन डूइंग द एक्शन। रिजल्ट्स जो है वो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। इफ यू आर डूइंग थिंग्स राइट, रिजल्ट्स विल कम। ठीक है, दैट्स वॉट आई ऑलवेज बिलीव एंड आई केप्ट ऑन बिलीविंग थ्रू आउट दिस। ठीक है, सो द फर्स्ट वीक वॉज 3 लाख रुपीज, एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड। यू कैन सी हियर डिफरेंट इमेजेस। सो दिस वीक देर वेर लॉट ऑफ प्रॉफिट्स, आई थिंक देर वॉज हार्डली एनी लॉस, आई थिंक देर वॉज 1 or 2, बट द प्रॉफिट्स वेर ह्यूज। सो दिस वॉज अ वेरी गुड वीक विच गेव मी लॉट ऑफ कैपिटल, क्योंकि इनिशियली वेन यू आर मूविंग फ्रॉम 10,000 to 60,000 or 60,000 to 1 lakh, यू डोंट थिंक अबाउट 6 lakh, बिकॉज टू मेक 6 lakh यू थिंक यू नीड एटलीस्ट 3 to 4 lakh रुपीज। ठीक है, आई ऑल्सो थिंक द सेम वे, लेकिन वंस यू रीच फ्रॉम
1 lakh to 3 lakhs, 4 lakhs, then it starts looking very much real. ठीक है, सो वॉट आई डिड, आई पेड आउट माई सम ऑफ द प्रॉफिट आउटसाइड बिकॉज दैट्स कॉल्ड द मनी मैनेजमेंट एज वेल एज टू मैनेज माई रिस्क एंड आई डोंट लूज ऑल द थिंग्स बिकॉज द फर्स्ट थिंग एनी ट्रेडर शुड डू इज प्रोटेक्ट हिज कैपिटल. सो आई पेड आउट ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कैपिटल विच आई मेड इन द प्रॉफिट एंड आई स्टार्ट ट्रेडिंग विद अप्रॉक्सिमेटली 2 lakh rupees. सो इफ यू लुक एट द जुलाई 3rd वीक देन द कैपिटल वॉज अप्रॉक्सिमेटली 2-2.5 lakh एंड आई केप्ट ऑन ट्रेडिंग विद दैट एंड आई मेड अनदर 2.4 lakh here. ठीक है, एंड ऑल द टाइम आई वॉज फोकसिंग ऑन वन थिंग दैट इज स्कैल्पिंग वन और टू ट्रेड्स एंड दैट्स इट, क्लोज द डे. वन और टू ट्रेड्स, क्लोज द डे, दैट्स इट. सी, एक दिन में पैसा नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप 5 दिन 6-6% बनाते हो, इफ यू मेक 5 days 6-6%, इट बिकम्स 30% एंड योर कैपिटल इज ऑलरेडी 2-3 lakh rupees, देन यू डेफिनेटली सम ऑफ द अदर ट्रेड्स विल टर्न आउट टू बी बिग वन बिकॉज इफ यू नो हाउ एग्जैक्टली यू should take entry at the right point, definitely some of the trades will give you more. But I'm good at scalping, so I don't do 2-3 times, I do sometimes 5-7 times also. So in a day, if I book 30%, 20%, 30%, 20%, in 3 days I double my capital, and that's what I do. ओके, सो हियर यू कैन सी 2,40,000 प्रॉफिट. यहाँ पे आप देखेंगे कि 2,40,000 का प्रॉफिट था, यहाँ मैंने करीब 2-2.5 लाख की कैपिटल रखा, बाकी मैंने पे आउट कर दिया था. ठीक है, और इस वीक के बाद बड़ा फॉल आने की उम्मीद थी जो कि आई. ठीक है, इफ यू लुक एट द जुलाई 4th वीक एंड द अगस्त 1st वीक, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे बड़ा फॉल, सेकेंड बड़ा फॉल आया था कंसोलिडेशन के बाद, और इसमें मैंने कैपिटल भी हाई रखा, ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास कैपिटल रखा, उसमें मैंने फिर 100% बनाया. एंड यू कैन सी हियर बड़े बड़े प्रॉफिट आएंगे यहाँ पे. ठीक है, लेकिन बड़े प्रॉफिट बड़े लॉस हमेशा, दीज आर, ये पार्ट ऑफ गेम है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार सिर्फ प्रॉफिट होगा, लॉस भी होता है. लेकिन नेट नेट मैंने क्या किया, आई न्यू कि ये मूव है, जब तक ये मूव है लेट्स बी बियरिश एंड लेट्स मेक वॉट एवर मैक्सिमम वी कैन मेक. और इसके बाद मैंने काफ़ी बड़ा पे आउट किया. ठीक है, तो दिस वीक द जुलाई 4th वीक टू अगस्त 1st वीक का जो ये एक्सपायरी वाला ये शीट है, इसमें आपको करीब करीब 4 लाख का प्रॉफिट दिखेगा. एंड दिस वॉज द बिगेस्ट वीक एंड दिस वॉज समथिंग विच चेंज माई माइंड एंड इट मेड मी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. लेकिन जब मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ तो मुझे डर भी लगता है कि यार कैपिटल बचाना है, सो आई कीप माई कैपिटल एटलीस्ट 50-60% ऑलवेज आउटसाइड. तो मैंने हमेशा यही किया टिल द यू नो लास्ट वीक ऑफ अगस्त, जब तक का मैं दिखा रहा हूँ, मैंने हमेशा 50-60% कैपिटल पे आउट कर दिया. ठीक है, सो नाउ इफ यू मूव टू द नेक्स्ट वन विल बी योर अगस्त 1st वीक. सो वंस यू आर गोइंग टू अगस्त 1st वीक, अगस्त 1st वीक में क्या हो गया कि जो हमने फॉल उम्मीद की थी जुलाई लास्ट वीक और अगस्त 1st वीक में, वो फॉल कंटिन्यू था और उस फॉल में मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट टर्न आउट किया था. तो उसी में मैंने ये भी किया था करीब करीब, ये 2,52,000 का जो प्रॉफिट है, 2,52,000 प्रॉफिट ऑल्सो आई डिड इन द सेम वीक. एंड दिस वीक वॉज ऑल्सो वॉलेटाइल बिकॉज नाउ आई वॉज थिंकिंग दैट मार्केट इज ओवरसोल्ड, सो देयर कुड बी बाउंसेस कमिंग, क्योंकि बाउंस आएंगे डेफिनेटली. इवन इफ कितना भी बियरिशनेस हो, मार्केट विल फाइंड रीजन टू बाउंस एंड दैट कॉल्ड टेक्निकल बाउंस. ओके, तो उस टाइप की चीजें होती हैं. तो मैंने थोड़ा वॉल्यूम यहां पे कम रखा एंड आई केप्ट ऑन स्कैल्पिंग एंड आई केप्ट ऑन मैनेजिंग कि मुझे 30-40% से ज्यादा कैपिटल से ट्रेड नहीं करना है. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई ऑलरेडी पेड आउट ऑलमोस्ट यू नो 5-7 lakh rupees आउटसाइड माई डीमेट अकाउंट. सो आई वॉज नॉट कीपिंग एवरीथिंग वॉट आई हैड. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पीपल ट्रेड विथ ऑल द मनी दे हैव, लेकिन उनके गट्स नहीं होता, दे डू नॉट हैव गट्स इवन टू ट्रेड विथ 20% ऑफ वट दे हैव. सो जितना कैपिटल रखो जितना आपका गट्स है. इफ यू आर फीलिंग शिवरिंग इफ इन ट्रेडिंग विथ 20,000 rupees, मे बी यू डू नॉट हैव गट्स टू ट्रेड विथ 20, मेक इट 10. ठीक है, सो ट्रेड विद द मनी यू कैन अफोर्ड टू लूज. सिंस आई स्टार्टेड विथ 60,000 rupees, इवन 6 lakh rupees के बाद में जितना बनाया, इफ आई वुड हैव लॉस्ट एवरीथिंग, आई स्टिल वुड हैव इमर्ज्ड एज अ विनर. लेकिन अंडरस्टैंड वन पॉइंट, एनी डे एनी टाइम यू लूज, that will definitely you know create a negative thing in your motivation. तो मैं गवाना नहीं चाहता था पैसा, तो I kept on reducing my capital. And this was the week, August 1st week, where I made 2,52,000. And यहाँ पर efficiency अच्छी थी, यहाँ पर एक भी loss नहीं हुए थे इस week में, क्योंकि I was very cautious. क्यों? क्योंकि market is already oversold and oversold market can give bounces also. Okay? So this is how the August 1st week turned out. And now if we move to the next week, which was अगस्त 1st, 2nd week एंड एज ऑन 17th अगस्त, इफ यू लुक एट दैट, तो इसमें और प्रॉफिट मैंने कम किया. और इसमें इट वॉज वेरी वॉलेटाइल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट लग रहा था गिरेगा, मार्केट वॉज मेकिंग यू फील दैट इट वॉन्ट्स टू फॉल, बट डेफिनेटली टेक्निकल बड़ा बॉटम था, 27,400 वॉज ए वेरी बिग बॉटम एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम दिस लेवल डेफिनेटली ए बिग बाउंस विल कम. सो आई चेंज माई स्ट्रैटेजी एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर मोर ऑफ बाय द डिप अपॉर्चुनिटी एंड दैट हेल्प मी अलॉट.
ओके, क्योंकि यू कांट बी बियरिश ऑल द टाइम. इवन इफ मार्केट इज वेरी वीक, स्टिल मार्केट विल बाउंस बैक, क्योंकि यार लोग कब तक बेचेंगे? एक लेवल होता है, एक मतलब बेचने वाले भी तो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो दे विल ऑल्सो बी स्केयर्ड समटाइम्स, एंड दैट्स वॉट टेक्निकल बाउंस इज कॉज्ड बाई. तो टेक्निकल बाउंस वहाँ पे आ रहा था, तो डेफिनेटली दिस वॉज अ वेरी गुड वीक, डिसेंट वीक, बिकॉज इट वॉज अ चैलेंजिंग कंसॉलिडेशन लेवल जहाँ से बाउंस आ रहा था. तो मैंने गलती नहीं की, क्योंकि 95% ऑफ द ट्रेडर्स लूज एवरीथिंग एवरीथिंग जब रिवर्सल आता है. दे लूज एवरीथिंग वेन रिवर्सल कम्स. सो वंस मार्केट वॉज फॉलिंग फ्रॉम हाई टू लो एंड रिवर्सल कम्स, यू कैन लूज ऑल द मनी यू मेड इन जस्ट 200 point रिवर्सल. एंड रिवर्सल्स आर नॉर्मली वेरी स्ट्रांग. ठीक है, सो दिस वॉज द जर्नी. एंड इफ यू लुक एट द कंसॉलिडेशन ऑफ ऑल द शीट्स, ऑल द प्रॉफिट विच आई मेड, देन यू विल फाइंड दैट इट वॉज नॉट वेरी, यू नो, नॉट वेरी स्मूथ. इट वॉज अप डाउन, आई मीन नॉट 2 lakh profit in all the 5-6 sheets, but it was going up and down because I was managing my capital up and down. And I started with this middle smaller profit, sorry, loss, 2576, and that's how I started. So never ever lose hope if you're starting very weak and you're starting in a shaky note, but always trust ki yaar ho jayega. Koshish karte raho, rules follow karo, discipline follow karo, definitely everything can be done. ओके, एंड दिस इज हाउ आई वॉन्टेड टू फिनिश, कि ये कैसे ये पूरा मैंने जर्नी ये पूरी की. और इसके बाद मैं आपको लाइव टर्मिनल दिखाऊंगा, लाइव चार्ट दिखाऊंगा जहां पे मैंने ट्रेड की थी, ताकि आपको समझ में आए आगे जब आप ट्रेडिंग करोगे कि मार्केट कैसे हमें डील करना है, मार्केट को हमें कैसे डील करना है, एंड हाउ एग्जैक्टली वी कैन प्रोग्राम अवर माइंड टू नॉट गेट कैरिड अवे. हमें उसमें बह नहीं जाना कि यार गिर रहा है तो हम बियरिश रहें और उसमें हम गवा देते हैं. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. आई होप दिस शीट डिस्क्रिप्शन हेल्प्ड. नाउ लेट्स मूव टू द लाइव चार्ट एज वेल एज द लाइव टर्मिनल, वेयर यू कैन सी. एंड मेनी ऑफ द नेसेयर्स हु ऑलवेज आस्क कि आई PNL दिखाओ, प्रॉफिट लॉस दिखाओ, दे विल डेफिनेटली फील सेटिस्फाइड विद दैट. सो लेट्स गो देयर. ओके, सो नाउ आई वांटेड टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. द फर्स्ट पॉइंट हियर आई एम ट्राइंग टू शो इज हाउ एग्जैक्टली मार्केट बिहेव, मार्केट ने कैसा बिहेव किया उस 45 दिन में जब मैंने ये ट्रेड की, जो भी ट्रेड्स की. ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इतना आसान नहीं था. सबको लग रहा होगा यार मार्केट तो गिर रहा था. ठीक है, एवरीबॉडी मस्ट बी थिंकिंग दैट मार्केट वाज फॉलिंग वन साइडेड, सो इट वाज वेरी इजी टू मेक मनी. एंड इफ यू आर अ ट्रेडर, डेफिनेटली यू विल नॉट बिलीव दैट व्हाट आई डिड वाज वेरी मच इजी टू एनीबॉडी, यू नो, बिकॉज दिस टाइम इट वाज नॉट इजी बिकॉज मार्केट वाज नॉट फॉलिंग वन साइडेड, एंड दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शो इन दिस पिक्चर. ओके, सो दिस इज बैंक निफ्टी 1 hourly चार्ट. Okay, so if you look at this chart, you will believe that Bank Nifty was at approximately 31,000 on 1st of July, approximately 31,000. And then it moved to 31,600 approximately on the budget day. Aur budget day ke baad wo girna chalu hua tha, to yahan pe ek bada fall aaya tha. You would have seen there's a big fall here. And after that, there was zigzag. It was trying to find some support here. And then there was another big fall. Okay, so yahan pe, if you think it is so easy to trade, it's not. Believe me, from here till here almost, I traded in puts, mostly puts. I waited, but I traded only in puts, mainly because once this kind of reversal happened, and this kind of reversal I already expected almost near when this government came into power, I was expecting that market will have a dip and during the budget there will be a rise, and that rise will be the last rise for the next 6 months. So, ek video maine banaya tha, usme aap jaake dekh sakte ho. जब चुनाव जीती थी ये सरकार, तो उस टाइम पे मैंने बनाया था. तो उसमें मैंने कहा था कि बजट के टाइम पे मार्केट पीक बनाएगा और उसके बाद मार्केट फिर से गिरेगा और अक्टूबर नवंबर तक बॉटम बनाएगा, गिरता ही रहेगा. ठीक है, थोड़ी बहुत राइजेज आएंगे लेकिन गिरता ही रहेगा, और वही चीज यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनिशियली फ्रॉम 1st July टिल 5th July यहाँ पे बाउंस आया था. तो इस बाउंस में मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, लेकिन वो बजट वाले दिन ही उसने पीक बनाया. लेकिन आई वॉज श्योर कि बजट इवेंट्स के दिन नॉर्मली क्या होता है, मार्केट बहुत हाई पे है. इफ मार्केट हैज बीन मेकिंग वेरी वेरी इट हैज बीन मेकिंग हाईज विच you think technically are too risky now and there should be a correction, such kind of market does not fall, it collapses suddenly, kyunki everybody is planning out for that, and the day it happens it will just collapse or it will just give a big bounce. So since we have been already moving in upward direction and market was near a high, theek hai, 31,650 was the high on the budget day, and market was really making
highs all the time and we are almost near the lifetime highs. तो ये पक्का बन रहा था कि lifetime high के पास है तो यहाँ से correction आने के chances ज़्यादा हैं और budget के बाद कोई और event था नहीं और budget में जो उम्मीदें की थी उतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं और taxes जो इन्होंने FPIs पे लगाए थे those taxes which were put on the FPIs were really risky and also on HNIs people with high income they tried to put tax so this was a negative news and I expected that एक दो दिन में इसका रिएक्शन होगा एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड आफ्टर आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट देयर विल बी सम रिएक्शन आफ्टर वन और टू डेज एंड इट प्लेड आउट इन द सेम वे सो यू कैन सी हियर देयर वाज अ बिग फॉल देन देयर वाज सम कंसोलिडेशन मार्केट वाज ट्राइंग टू बाउंस बट इट वाज फेलिंग एंड फ्रॉम हियर टिल हियर आई वाज नेवर एवर बुलिश ओके आई वाज नेवर एवर बुलिश व्हाट आई डिड वाज आई जस्ट केप्ट ऑन सेलिंग द बाउंसेस Okay, I suppose this was a big fall. So this would have given me almost 100%, 150% return. Okay, but after that, ये जो bounce आया है ना, if you do not use your mind and you are very aggressively short, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा emotional हो रहे हो कि यार market तो गिर जाएगा, crash हो जाएगा, आप यहाँ पे फंस जाओगे. ये जो zigzag था, यहाँ पे आप फंस जाओगे. Mostly क्योंकि this is almost 2 to 3 days. So 2 to 3 days market will not fall. But the thing is that if you understand ki every rise can be sold, that if you understand that this trend, you are picking it rightly, then you will not lose. Ye jo bounce hai chota sa, is bounce mein agar aap paise nahi bhi banaoge, to at least aap gawaoge nahi agar aap sahi direction mein ho. And if you really think that market is a sell on rally, so you can see there are small, small red candles. So these red candles are good enough opportunity to scalp 5%, 6%. And that's what I did. Okay, so now the next thing was that when market was falling from here and there were some bounces, what I was doing in those bounces, I took a lot of breaks. I was not very aggressive and I was taking breaks. I was letting this market do the technical bounce, whatever it is trying to. So market, you will take it, market will try to bounce. It will try to make a top. Then the top will be tired. Market will be tired near the top and then it will again start falling. And that's when I start trading. So this is a very good, way of trading that take breaks. Okay. Very important point that take breaks because market may not move in your direction. And if you keep watching it, agar aap market ko dekhte rahoge, to aapko compel karega ki aap phir se trade lo. And this kind of trading, is called over trading basically and compulsive trading. And this kind of impulse, is type of jo impulse or feeling aati hai aapke andar, uske karan hi zyada tar log barbaad hote hain. ठीक है, सो आई केप्ट अवॉइडिंग दिस कि मुझे थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना है बिकॉज मार्केट में ये लगातार नहीं गिरेगा लेकिन जब ये अपवर्ड बाउंस टायर्ड होगा थोड़ा सा थकेगा तो डिप जरूर आएगा एंड आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दीज स्टेप्स इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस बहुत ज्यादा पेशेंस लगता है सो यू नीड टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस सो दिस इज कंसोलिडेशन फेज देन देयर वाज अ बिग फॉल सो दिस फॉल वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड इफ यू जस्ट मैच इट विद द डेटा व्हिच आई विल बी शोइंग यू कैन गेट दैट What exactly I'm talking about? So यहाँ पे भी मैंने काफी अच्छा returns बनाया almost 3 to 4 lakhs. And फिर ये जो consolidation था यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को challenge आया but still यहाँ पे मैंने break लिया एक दो दिन. So whenever I used to take break, so अगर आपने इस fall में अच्छा पैसा बनाया, if you have made lot of money in this fall, the first thing you should do is after making big money you should pay out some of the profits. At least 50% तो बाहर निकाल सकते हो. So rest whatever 50% is left out you are risking. ठीक है उसमें risk है but Again, if you keep following the principle which you have been following, अगर आप वही चीज follow करते रहते हैं तो definitely यहाँ पे आपको दिक्कत कम होगी ठीक है फंसोगे नहीं लेकिन just wait for market to again get tired with this bounce और जैसे ही वो bounce लगा कि यार अब थकने लगा है then I started shorting it and then again in this fall again I made good money ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे put खरीदा it was not like I bought put here and I kept holding it till here never ever Because we are dealing with option buying and option buying mein jo decay hai, time decay, that is the biggest enemy. So you cannot wait longer. This is a very, very important point. So the next thing what I did was once market fell enough, so near 28,000, I was expecting 28,000, but after 28,000, I was not expecting big fall. Main yahan se bade fall ki umeed nahi kar raha tha aur uske baad agle din koi ek news aaya tha, I was not sure what news was. I think Kashmir news. And yahan se gap down hua tha. जब ये गैप डाउन हो गया तो मेरा टारगेट 27,400 था विच आई टोल्ड टेक्निकल टारगेट कि ये बड़ा बॉटम है यहाँ पे बाउंस अच्छा आएगा और यहाँ से हमें शॉर्ट नहीं होना है वी हैव टू बी लॉन्ग ओके सो फ्रॉम दिस एरिया आई स्टार्टेड टेकिंग द कॉल्स सी ठीक है तो अगर आप देखोगे जो लास्ट के मेरे 10-15 दिन 20 दिन का जो ट्रेड होगा उसमें कॉल्स भी हैं
तो आई स्टार्टेड बिलीविंग मोर ऑन बाइंग द डिप्स एंड दैट्स हाउ इट वाज प्लेइंग आउट. सो आई डिड नॉट ट्रैप, मैं यहाँ पे फंसा नहीं इस बॉटम पे, मैं यहां से लेके यहां तक बेरिश था लेकिन मैं यहाँ पे बुलिश था. And that's how I got saved. It's not like market was not falling. Yeah, market gira hai. But the thing was, I was more of buy the dip kind of sentiment guy. So I was feeling ki yahan pe agar dip aayega to main call buy karunga. And that's how it has been currently working. ठीक है? तो ये था पूरी journey from 1st of July till August, जो भी अपना 15-16 अगस्त हो गया है. This was a journey I was trying to show in the charts. Now, once you go through the live terminal, you will understand what exactly I did. And the same pictures I will be describing in each slide, so you can understand ki what specifically I did on each week. So week by week will definitely give you a lot of hope, and it will tell you more details about my journey. Okay, let us go to the terminal where we will check the live terminal. जो लोगों को बहुत डाउट होता है कि भाई PDF है, ये है, वो है, तो चार्ट ये असली था. ठीक है, अब हम जाते हैं अपने अपस्टॉक्स के टर्मिनल पे. दिस इज द बैक ऑफिस ऑफ अपस्टॉक्स कॉल्ड कीस्टोन करके है. पता नहीं क्यों रखा है कीस्टोन, रॉकस्टोन, क्या फर्क पड़ता है. सो लेट्स गो टू कीस्टोन. अब कीस्टोन में मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ओपन ट्रेड रिपोर्ट, ट्रेड समरी रिपोर्ट. ठीक है, अब ये ट्रेड समरी रिपोर्ट खुल गई. यहाँ पे 1 अगस्त से 18 अगस्त का है, मंथ मंथ वाइज ये रहता है. मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है, 1st of July से. ठीक है, यहाँ पे कॉलम्स ये कुछ फालतू के हैं तो इनको मैं हटा देना चाहूंगा. नेट ब्रोकरेज और बैलेंस क्वांटिटी तो अभी ठीक है. जो काम के हैं उन्हें मैंने यहाँ पे रखा है. आई हैव जस्ट पुट द कॉलम्स विच आर ऑफ अवर यूज. एंड यहाँ पे शो 10 रिकॉर्ड्स पर पेज है. ठीक है, यू कैन सी दिस. ठीक है, ये PDF नहीं है ये टर्मिनल है, ये डेट्स हैं. ठीक है, ये यहाँ पे भी डेट्स हैं. और ये इतना अच्छा टर्मिनल नहीं है, बट स्टिल आई मीन गुड एनफ टू सेटिस्फाई पीपल. सो एग्जैक्टली जब कोई बोलता है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, तो वो क्या बोलता है कि ये जो सम है टोटल इसका, ये पिछले 1.5 महीने में कितना होता. ठीक है, तो मैं उसके भी डिटेल में जा रहा हूँ कि मैंने कहाँ पे कैसे ट्रेड किया. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डिटेल मैं स्लाइड्स में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली आप यहाँ पे देख सकते हैं सेगमेंट क्या है, स्क्रिप्ट कोड क्या है, बैंक निफ्टी पे ट्रेड किया है, ये कॉल्स हैं. ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस है, ये डेट है, एक्सपायरी कौन सी एक्सपायरी यूज की है, ये बाय क्वांटिटी है, ये बाय एवरेज है, ये बाय क्वांटिटी इनटू बाय एवरेज करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा. इसी तरह सेल क्वांटिटी, सेल एवरेज एंड नेट नेट जो इसका डिफरेंस होता है बाय और सेल का, दैट इज योर प्रॉफिट. सो एनीथिंग व्हाट इज विजिबल इन प्लस इज लॉस, व्हाट इज विजिबल इन माइनस इज प्रॉफिट. क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे, एग्जाम्पल बता दूं क्योंकि इस पे भी लोग शक करेंगे. Anyways, so if you look at here, buy amount is 8,274. What is the sell amount? 9,664. Correct? So maine buy kiya itne mein, sell kiya itne mein. Profit kya hota hai? Sell minus buy. To yahan pe aap dekhoge 1,300 jo minus mein hai, ye aapka profit hota hai. Theek hai? Isi tarah aap check kar sakte ho. Jisko zyada shak hai, wo aur kar sakta hai. Baki, so here, net sum agar aap dekhoge, net net here, what it is showing? Minus 1,97,000. So you can see here 58,65,275. What is here? This is a buy. मैंने इतने में खरीदा. What is the sell? 60,62,850. तो buy किया कम में, बेचा ज्यादा में, तो profit हुआ होगा. Correct? Quantity आप बहुत देखो, क्योंकि I told you that scalping is the only way I follow and I book smaller profits as well as बड़े भी कभी कभी मिलते हैं तो book कर लेता हूँ, but normally I book 3-5% also. So here you can see this is the profit for the latest week, but what in the slide I'll be showing is from the first one. ठीक है, when I started in July, तो जो पहला slide है that is here, we will be starting with loss of. तो पहले हफ्ते मैंने क्या बोला कि market गिरा नहीं था, तो वहां पे मुझे loss हुआ था 2,576 रुपए का. 2,576 was my loss for the first week when I started. It was quite a shaky start, but later I caught up. Properly किया मैंने, ढंग से किया. And somebody who wanted to know कि मैंने capital बहुत ज़्यादा लगाया होगा, लोगों को capital पे भी doubt होगा. Doubt करने वाले हर चीज़ पे करते हैं. तो उनको ये बता दूँ, आप यहाँ पे price देख सकते हो that I was not trading with lot amount initially. देखो 85,000. So this is not like कि एक shot में मैंने खरीदा. Definitely 700 में से मैंने 500 लिया होगा, फिर maybe दोबारा second trade लिया होगा. So that is how it is 700 quantity. But you can see total buy is 63,000, total sell was 85. So I was trading near about 60,000 rupees capital.
ठीक है, ये दिखाना चाहता था सो दैट पीपल बिलीव कि आई नेवर स्टार्टेड बिग, आई ऑलवेज स्टार्टेड स्मॉल, ठीक है. और इसी तरीके से मूव हुआ, तो दिस इज लाइक फ्रॉम जुलाई टू अगस्त विल बी मूविंग, सो दिस इज 3 लाख, यू नो 1,799, ये उसके अगले हफ्ते का है, नेक्स्ट वीक 2,40,242, दिस इज नेक्स्ट वीक 4,13,847, and this is 2,52,442, and this is the recent week 1,97,575. week wise main isliye bol raha hu, shayad ye week wise na ho kyunki there are mix up of expiries, but still I'm just trying to show you that ye sequence hai from July till August, theek hai. So I hope this this is enough to satisfy a lot of people who are critics, who are naysayers, who are positive, they will be feeling happy and motivated. People who are negative, please sudhar jao. हर चीज में नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होती है दुनिया में. अच्छी चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल है, जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हो सकता है. सो दैट्स हाउ वी बिलीव एंड दैट्स हाउ ह्यूमन बीइंग्स यू नो विद द हेल्प ऑफ दैट बिलीव दे अचीव व्हाटएवर दे वांट टू, ठीक है. एंड दैट्स द मोटो, यू नो आई वांट टू टेल यू दैट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना बड़ा करूंगा इसमें. आई वॉज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि अगर मैंने 60,000 का 6 लाख कर दिया, I was just thinking that if I could do 60,000 to 6 lakh, 10x profit, that will be a mind-blowing achievement to make a video. That's what I thought, believe me. Mera dream itna bada bhi nahi tha. But I kept on focusing, kyunki in between I was quite busy, so I did not focus on making video, etc. I was just focusing on trading because mera, you know, that I was in that rhythm. And I was just trying to continue. मैं उस rhythm में था, उस form में था कि मुझे लगा यार continue करते रहो, जितना जा सकते हैं जाते रहो. And I kept on managing my position and I kept on managing my money. Hi friends, I hope ये video आपको पसंद आया होगा. I hope you liked this video. If you liked this video, please subscribe to this channel and keep loving, keep watching and keep sharing our videos. Thank you very much.